एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, इसके पूर्व में हम लोग संसद के टॉपिक के अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा, जिसका कि वर्णन और व्यवस्था अनुच्छेद 80 और 81 के अंतर्गत किया गया है, पर हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने उसके गठन, उसके निर्वाचन, उसके कार्यकाल और इसी तरीके से उसके अर्हता निरर्हता इत्यादि बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया, जिससे कि राज्यसभा और इसी तरीके से लोकसभा के बारे में जो भी व्यवस्थाएं थी वो स्पष्ट हो गई थी। अब इन दोनों ही बिंदुओं को चर्चा करने के बाद आज के इस टॉपिक में हम लोग संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया टॉपिक पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसेस इन पार्लियामेंट, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि ये जानकारी है, होना चाहिए कि संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत संसद जो है वो उसका सबसे मुख्य काम देश में जो है कानून का निर्माण करना है। और इस रूप में अगर देखा जाए तो संसद के द्वारा कई तरीके के कानून बनाए जाते हैं, कई तरीके के विधेयकों को जो है पारित किया जाता है और वह अपने स्वरूप में अलग अलग प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली में देखा जाए तो संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम कानून का निर्माण करना है, संविधान का संशोधन करना है, बजट को पारित करना है। तो इस तरीके से कई प्रकार के जो है कार्य संसद के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। संसद विभिन्न प्रकार के विधेयकों को पारित कर सके और वो कानून बन सके, अधिनियम बन सके, इसके लिए ये आवश्यक है कि हम ये जाने कि संसद सत्र में है कि नहीं। तो सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि संसद में कितने प्रकार के सत्र आयोजित किए जाते हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो संसद में 3 प्रकार के सत्र होते हैं। एक तो बजट सत्र है, दूसरा है मानसून सत्र और तीसरा है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र इनकी एक टाइमिंग भी निश्चित की गई है और उस समय जो है यह सत्र आहूत किया जाता है। और जैसा कि आपको जानकारी है कि सत्र को आहूत करने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यद्यपि सत्र के दौरान कुछ समय के लिए सत्र को स्थगित किया जाता है तो यह उस सदन के जो है सभापति या अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, लेकिन दीर्घकाल के लिए सदन को राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है और सत्र का सत्रावसान यानी कि समाप्ति भी की जाती है। तो बजट सत्र मूलतः जो है फरवरी से जो लेकर मई, ये जो है जुलाई से लेकर सितंबर और इसी तरीके से नवंबर से दिसंबर, नवंबर से दिसंबर के बीच में शीतकालीन सत्र। इन जो सत्र को आयोजित किया जाता है इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, एक समझ है। जैसे इन सभी जो है सत्र के बीच में एक एक माह का अंतराल है। फरवरी से लेकर के मई, जून गैप, जुलाई से लेकर सितंबर, अक्टूबर गैप, नवंबर से लेकर के दिसंबर। तो प्रत्येक सत्र के समाप्ति माह के बाद, ये एक सामान्य व्यवस्थाएं हैं। सत्र कभी भी संसद का विशिष्ट सत्र भी बुलाया जा सकता है किसी विशेष प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में हमारी संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जिन भी बिंदुओं के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली के प्रावधानों का क्रियान्वयन किया जाता है वो क्रमशः इन्हीं सामान्य सत्रों और इन्हीं जो है महीनों में आयोजित किया जाता है। ये इसमें भी एक ट्रेंड है, ये 4 महीने, ये 3 महीने और ये 2 महीने, 4, 3, 2। और प्रत्येक जो है सत्र के बीच में एक एक माह का अंतराल है, फरवरी से लेकर मई तक और जून माह इसमें अंतराल, और जुलाई से लेकर सितंबर तक, तो सितंबर के बाद अक्टूबर अंतराल और नवंबर से लेकर दिसंबर तक, यानी कि 4, 3, 2। इस जो है घटते हुए क्रम में अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक ट्रेंड आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो इस तरीके से
संसद के द्वारा विधि निर्माण के संदर्भ में, बजट को पारित करने के संदर्भ में, संविधान में संशोधन करने इत्यादि के संदर्भ में मूल रूप से देखा जाए तो ये तीन प्रकार के सत्रों का आयोजन किया जाता है। अब ये महत्वपूर्ण सवाल है कि इन सत्रों में किन प्रकार के कानूनों को बनाया जाता है, कौन से अधिनियम पारित किए जाते हैं, तो इसके लिए विधेयक यहां पर मूल रूप से चार प्रकार के हम यहां पर चर्चा करते हैं। साधारण विधेयक और दूसरा है धन विधेयक, क्योंकि सामान्यतः हम लोग साधारण विधेयक और धन विधेयक के बारे में चर्चा करते हैं। तीसरा है वित्त विधेयक, यद्यपि वित्त विधेयक में भी दो प्रकार से है, अभी हम एक एक करके चर्चा करेंगे तो इस पर हम डिटेल में देखेंगे। और अगला है जो है संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक अनुच्छेद 107 के अंतर्गत है, धन विधेयक 110 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है, और यह 117 के अंतर्गत है, और 117 जो है वो 3 के अंतर्गत है, ये 1 है, और इसी तरीके से 368, जैसा कि आप लोगों को जानकारी भी, एक संविधान संशोधन के संदर्भ में ये व्यवस्थाएं की गई। तो मूलतः आप लोगों को यहाँ पर ये देखने में मिल रहा है कि साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ये 368 में इस तरीके के चार महत्वपूर्ण विधेयक हैं। सामान्य परिस्थिति में इन्हीं विधेयकों के अंतर्गत आने वाले प्रावधानों को लागू करने, इसमें परिवर्तन करने, संशोधन करने से संबंधित विधेयक जो है वो सदन में प्रस्तुत किया जाता है और सदन के सत्रों में इससे संबंधित कानून और नियमों को जो है बनाया जाता है। इसके द्वारा संसद के द्वारा, और संसद में कौन कौन से अंग और अंश मिले होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जिसके द्वारा उस जो है विधेयक पर अपनी अनुमति दी जाती है, अपना सहमति दिया जाता है और अपने हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास सत्र इतने होते हैं और इस प्रकार के जो विधेयक मूल रूप से सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। जब भी जो है कानून बनाया जाता है तो उसके लिए जो है सदन में प्रस्ताव को रखा जाता है, और जब कानून बनाने के लिए कोई प्रस्ताव सदन में रखा जाता है तो उसे ही विधेयक कहा जाता है। अब हम सबसे पहले यहां पर साधारण विधेयक के संदर्भ में आप लोगों से चर्चा करेंगे। साधारण विधेयक के संदर्भ में हम लोग आपसे यहां पे चर्चा करेंगे। साधारण विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो कानून निर्माण से जो है संबंधित होता है और इसे संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से जो प्रारंभ किया जाता है, लेकिन सामान्यतया देखा गया है कि यह लोकसभा में ही प्रारंभ किया जाता है। इससे संबंधित सवाल भी अगर पूछा जाता है तो आपको यह बताना है कि दोनों सदनों में से किसी भी सदन में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है, किसे साधारण विधेयक हो। साधारण विधेयक प्रस्तुत होने के बाद से पारित होने के बीच में कई चरणों से गुजरता है, एक एक करके हम लोग यहां पर देखेंगे। किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए उसके प्रस्तुतकर्ता को सदन में उसे प्रस्तुत किया जाना होता है और इसके लिए उसे अनुमति लेना पड़ता है। यहां पर यह महत्वपूर्ण बात है कि यदि वो साधारण सरकारी विधेयक होता है तो 7 दिन पूर्व, और गैर सरकारी विधेयक होता है तो इस पर 1 माह पूर्व की जो है अनुमति लेनी पड़ती है। अभी हम इसके लास्ट में जो है सरकारी विधेयक और गैर सरकारी और सरकारी, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे और अंतर को देखने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों के बीच में मूल रूप से क्या अंतर है। तो प्रस्तुत किया जाता है और उस दिन, जिस दिन इसके लिए निश्चित किया जाता है, उस दिन जो है अनुमति के बाद जो है सदन में प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता के द्वारा उसके शीर्षक को पढ़ा जाता है, उसके उद्देश्यों को पढ़ा जाता है, ताकि सभी सदस्यों को यह बात स्पष्ट हो सके कि किस विषय पर और उसके क्या उद्देश्य हैं से संबंधित जो है विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसपे कानून का निर्माण किया जाना है। इसके संदर्भ में एक और बात महत्वपूर्ण है कि यदि पूर्व में वह जो है विधेयक गजट में प्रकाशित हो चुका है तो प्रस्तुत करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, और यदि
गजट में प्रकाशित नहीं होता है तो प्रस्तुत करने के लिए अनुमति लिया जाता है और प्रस्तुत करता उस तिथि को और उस समय उसके उद्देश्य और शीर्षक इत्यादि को पढ़ता है और पुनः पढ़ने के बाद उसे गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। यह कार्य होता है प्रथम वाचन के अंतर्गत। प्रथम वाचन, यहाँ पर वाचन की व्यवस्था की गई है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। तो प्रथम वाचन में मूल रूप से यही ध्यान में रखना है कि इस दिन प्रस्तुतकर्ता के द्वारा उसे प्रस्तुत किया जाता है, उसके उद्देश्य और शीर्षक इत्यादि को पढ़ा जाता है और गजट में प्रकाशित हो जाता है। इतना ही इसका जो है प्रथम वाचन का कार्य होता है। इसके बाद द्वितीय वाचन, द्वितीय वाचन प्रारंभ होता है। यहां पर यह ध्यान में रखना है कि कानून और विधि निर्माण की प्रक्रिया में द्वितीय वाचन सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे लंबे समय तक चर्चा है, सबसे अधिक चरण होते हैं और सबसे ज्यादा इस पर चर्चा किया जाता है। तो कई बार सवाल भी पूछा गया है कि किस वाचन में विधेयक पर सबसे ज्यादा बहस और चर्चा होती है, तो वह है प्रश्न द्वितीय वाचन। इसमें कई चरण भी होते हैं, सामान्य बहस है, समिति अवस्था है, इसमें समिति होती है भी हम बता रहे हैं, समिति अवस्था है और इसी तरीके से विचार विमर्श की अवस्था। ये तीन जो है चरण होते हैं, इन तीन चरणों से होता द्वितीय वाचन में जो है, जब द्वितीय वाचन में उस विधेयक के सभी प्रतियां जो है, द्वितीय वाचन में उस विधेयक की प्रतियों को जो है सभी सदस्यों को वितरित कर दिया जाता है, जिसमें सारे जो है व्यवस्था, प्रावधान और उद्देश्य, सारी चीजें स्पष्ट होती हैं। इसमें यदि विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जैसे कोई तात्कालिक विषय आ गया जिस पर जो है कानून बनाना जरूरी है, तो तत्काल उस पर जो है सदन में जो है विचार विमर्श प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरीके से कानून बना दिया जा, विचार विमर्श करके उस पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न होती है। लेकिन अगर वह बहुत ही जरूरी प्रकार का विधेयक नहीं, साधारण प्रकार का विधेयक है, तो उसे जो है प्रकाशित कर दिया जाता है जनता के लिए, तो वो जनता भी उसके बारे में जानकारी रखती है, या जो है उसे समितियों में भेज दिया जाता है, जैसे सेलेक्ट कमेटी, प्रवर समिति और जो है संयुक्त समिति, दो प्रकार की महत्वपूर्ण समितियां होती हैं। तो सेलेक्ट कमेटी में और स्टैंडिंग कमेटी में जो है कमेटियां होती हैं, उसमें जो है इसे भेजा जाता है। तो वहां पर जो है समितियों में इस पर जो है उसके खंडवार सभी बिंदुओं पर चर्चा किया जाता है। तो साधारण रूप से अगर सामान्यतया देखा जाए तो इसमें अति आवश्यक अगर तात्कालिक नहीं है तो इसे समिति की अवस्था में जो है भेजा जाता है, समिति की अवस्था में भेजा जाता है और समिति उस पर जो है विचार करती है, उसके सभी खंडों और उपखंडों पर विचार करती है। विचार करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद तब वो विचार विमर्श की अवस्था में आता है और इस अवस्था में सभी सदस्यों के द्वारा, चूंकि पूर्व में प्रतियां यहाँ पर जारी की गई हैं, वो लोग भी अध्ययन कर रहे हैं, समितियों के द्वारा भी अध्ययन किया जा रहा है, तो विधिवत इस पर चर्चा परिचर्चा हो रही होती है और विचार विमर्श की अवस्था में सदस्यों के द्वारा उस पर अपने संशोधन भी रखे जाते हैं। यदि संशोधन स्वीकार कर लिए जाते हैं तो वह संशोधन का हिस्सा जो है वो संविधान कानून का जो है या विधेयक का हिस्सा बन जाता है। तो इस तरीके से द्वितीय वाचन में जो है यहाँ पर काफी कुछ जो है चर्चा हो जाती है। पुनः इसके बाद जो विचार विमर्श के बाद जो है उसमें संशोधन प्रस्तुत किया जाता है और सारी चीजें अगर स्वीकार कर ली जाती है तो उस रूप में जो है तृतीय वाचन की स्थिति प्रारंभ होती है। तृतीय वाचन, तृतीय वाचन में किसी भी प्रकार का उसमें संशोधन इत्यादि नहीं होता है, विधेयक के तकनीकी बिंदुओं पर विचार किया जाता है, उसकी शब्दावली पर विचार किया जाता है, उसके प्रारूप पर, उसके आकार पर विचार किया जाता है, जिससे कि जो है उस विधेयक को अंतिम रूप दिया जाना संभव हो सके। तो इस रूप में जो है तृतीय वाचन में जो है उसके जो है अशुद्धियाँ, शब्दावली, आकार इत्यादि बिंदुओं को जो है सही करके जो है उसे सदन से पारित किया जा रहा है और जब ये एक सदन के द्वारा इसे पारित कर दिया जाता है तो उस सदन के जो है सभापति या अध्यक्ष के द्वारा उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक सदन में ये प्रक्रिया होती है और दूसरे सदन में भेजा जाता है, वहां भी इस तरीके की प्रक्रियाओं से जो विधेयक को गुजरना पड़ता है। तो द्वितीय सदन में जब विधेयक पहुंचता है तो जैसे अगर लोकसभा में पारित किया गया है
तो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में यदि पहली बार पारित किया है तो वह लोकसभा में जाएगा। सामान्यतः विधेयक जैसा कि आपको बताया गया कि वह लोकसभा से ही आगे बढ़ता है, यद्यपि वो दोनों में किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और वहां पारित किया जा सकता है। यदि लोकसभा से विधेयक पारित होकर के राज्यसभा में गया है तो राज्यसभा के पास चार महत्वपूर्ण विकल्प होते हैं। चार महत्वपूर्ण विकल्प, एक तो ये विधेयक को जो है स्वीकार कर ले, दूसरा जो है उसे अस्वीकार कर ले, अस्वीकार कर दे, तीसरा जो है संशोधन कर दे, और चौथा है जो है वो अपने पास रख ले। अपने पास जो है वो कितने समय के लिए, अनिश्चित काल के लिए रख ले, या अधिकतम 6 माह के लिए रख ले। तो ये चार कंडीशन होते हैं। अगर स्वीकार कर लिया गया तब तो विधेयक दोनों सदन से उसी रूप में पास माना जाएगा, यदि अस्वीकार कर लिया तो यह स्थिति और यह स्थिति दोनों एक जैसी स्थिति है, इसलिए क्योंकि अपने पास अनिश्चित समय तक रखना और अस्वीकार करना, ये दोनों ही स्थिति जो है दूसरे सदन को स्पष्ट नहीं होता है, या संशोधन कर दे एक अन्य स्थिति है। तो यदि संशोधन कर देता है तो पुनः जो है संशोधन के साथ उस विधेयक को सदन में जो भेजा जाएगा, और यदि उस संशोधन से वो संतुष्ट है तो ठीक है, अन्यथा वह जो है पुनः जो है दूसरे सदन को भेजेगा, यानी कि जो सदन संशोधन किया है वह भेजेगा पहले वाले सदन को जिसने पारित किया है, पहला वाला सदन जो है इसे पुनः भेजेगा। और यदि दूसरी बार जो है भेजा गया और यह अपने पास जो है 6 माह तक रख लिया या अस्वीकार कर दिया, दो स्थिति होती है। तो ये दोनों ही प्रकार की स्थितियों में यह जो है संशोधन जो किया है उस पर जो है दोनों में असहमति हो जाती है। तो ये दोनों ही स्थिति में जो है संयुक्त अधिवेशन की स्थिति उत्पन्न होती है, और संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, और अध्यक्षता इसकी हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, और यदि उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि सभापति नहीं, सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, और चूंकि उपराष्ट्रपति जो है सदन का सदस्य नहीं होता है, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा उसकी अध्यक्षता नहीं की जाएगी, यानी कि प्रत्येक दशा में उपराष्ट्रपति द्वारा अध्यक्षता नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो इस तरीके से स्पष्ट है कि अध्यक्ष पुनः उपाध्यक्ष पुनः उपसभापति, इस क्रम में जो उसकी अध्यक्षता की जाती है, और साधारण बहुमत से विधेयक को पास किया जाता है। आपको यह जानकारी भी होगा कि लोकसभा की सदस्य संख्या ज्यादा होती है, ऐसी स्थिति में लोकसभा के द्वारा पहल किए गए विचार का ही वहां समर्थन होता है, और उसके अनुरूप ही विधेयक पारित होता है या अस्वीकार किया जाता है। यदि लोकसभा पहले प्रारंभ किया तो विधेयक पारित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये चार प्रकार की कंडीशन है कि दूसरा सदन या राज्यसभा उसे स्वीकार कर लेगा, दूसरे रूप में पारित मान लिया जाएगा, और इन तीनों ही कंडीशन में संशोधन को अगर लोकसभा पुनः स्वीकार कर लेता है तो भी पास माना जाएगा, और अगर असहमति होती है या जो है 6 माह से अधिक का समय व्यतीत होता है तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की स्थिति बनती है, और संयुक्त अधिवेशन में उसे पारित किया भी जा सकता है अगर लोकसभा उसके पक्ष में है तो। अगर पहले राज्यसभा से आया दूसरी बार लोकसभा में गया है तो वह लोकसभा के विचार के अनुसार वह विधेयक पारित नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर के संयुक्त अधिवेशन में अगर देखा जाए तो लोकसभा की स्थिति को संविधान एवं राज व्यवस्था के माध्यम से मजबूत बनाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। इसके बाद विधेयक जो है दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अब राष्ट्रपति के पास विधेयक पर जो है तीन प्रकार की स्थिति है, सहमति, पुनर्विचार और इसके बाद अपने पास रख लेना, अपने पास सुरक्षित रख लेना, ये तीन विकल्प होते हैं। यदि सहमत दे दिया जाता है तो उसी समय वो कानून बन जाता है। पुनर्विचार के लिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि यदि राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ विधेयक स्वीकृति के लिए हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर जो है सहमति दे भी सकता है, अन्यथा उसे पुनः एक बार विचार के लिए सदन को वापस भेज सकता है। लेकिन ये सदन के द्वारा दूसरी बार जो है उसे संशोधन करके या संशोधन रहित
संशोधन सहित या संशोधन रहित दोनों ही स्थिति में भेजता है तो राष्ट्रपति के लिए कंपल्सरी हो जाता है, उस पर उसे सहमति देना ही देना होगा। ये चलुचे संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है 1978 में ये व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से यदि अपने पास रख लेते हैं तो वह विधेयक समाप्त माना जाता है और इसी को जो है एब्सोल्यूट वीटो, आत्यंतिक जो है वीटो कहा जाता है। इसे ही जेबी वीटो के नाम से भी जाना जाता है कि वह अपने पास रख लिया है, उसे अपने पास सुरक्षित रख लिया, जिस पर न तो उसने सहमति दिया है ना ही उन्होंने असहमति दिया है। दोनों ही स्थिति में वो विधेयक आत्यंतिक वीटो के अंतर्गत आएगा और इस वीटो को जो है निलंबनकारी वीटो भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य कि कुछ समय के लिए विधेयक पर अपने विचार को ना व्यक्त करके पुनः जो है सदन को वापस भेज दिया जाए, तो यह व्यवस्था कहलाती है निलंबनकारी वीटो और यह व्यवस्था कहलाती है आत्यंतिक वीटो, जो कि भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था में राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। राष्ट्रपति यदि समझता है कि सदन से कहीं पर चूक हुई है और इसे पुनः विचार करने की आवश्यकता है तो पुनर्विचार के रूप में इसे भेज सकता है। ऐसा भी सवाल इंटरव्यू इत्यादि में पूछे जा सकते हैं कि पुनः राष्ट्रपति के द्वारा सदन को क्यों भेजा गया जबकि सदन पहले ही पास कर चुकी है। तो कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ बिंदु छूट जाते हैं और समय के अनुसार उसमें सदन को सोचने के लिए समय मिल जाता है, जनमत की जो है जो इच्छा होती है उस पे जो भी जानकारी प्राप्त होती है और एक नया मत परिवर्तित हो सकता है। ऐसी स्थिति में पुनर्विचार के लिए सदन को जो है भेजा जा सकता है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर उपरांत यह जो है विधेयक कानून बन जाता है। और कहने का तात्पर्य यह है कि यदि वह गजट में उसके बाद प्रकाशित होता है तो वो अधिनियम बन जाता है। तो इस तरीके से साधारण विधेयक पर हम लोगों ने चर्चा की कि इस तरीके से जो है उसकी व्यवस्थाएं होती हैं दोनों सदनों के थ्रू जो है पारित होता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उपरांत वह कानून बन जाता है। ये व्यवस्था हम लोगों ने चर्चा किया साधारण विधेयक के जो है संदर्भ में। अब हम लोग धन विधेयक के संदर्भ में देखते हैं। धन विधेयक जिस पर आर्टिकल 110 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। यह विधेयक बेसिकली किसी भी प्रकार के कर को लगाने, कर को समाप्त करने, कर में परिवर्तन करने इत्यादि से संबंधित होता है या इसी तरीके से संचित निधि से धन को निकालने, आकस्मिकता निधि के संरक्षण के लिए या उधार इत्यादि की व्यवस्थाओं का भी प्रावधान भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था में किया गया है। इन सभी विषयों से संबंधित होता है और वो धन विधेयक की परिभाषा के रूप में जाना जाता है। धन विधेयक के संदर्भ में अगर देखा जाए तो शक्तियां राज्यसभा से ज्यादा जो है लोकसभा के पास दी गई है या ये कहा जाए कि लोकसभा के पास ही संपूर्ण शक्ति है तो ये सत्य माना जाएगा, क्योंकि 14 दिन की ही व्यवस्था है जिसमें राज्यसभा उस पर विचार कर सकता, संशोधन कर सकता, वापस कर जो भी करना उसके पास 14 दिन का समय है। धन विधेयक के संदर्भ में है कि धन विधेयक पर एक पृष्ठांकन होता है स्पीकर का जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह धन विधेयक है और ऐसी स्थिति में धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में यह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से इसे लोकसभा में ही रखा जाता है। लोकसभा के द्वारा विधेयक को पास करने के बाद दूसरे सदन में जो भेजा जाता है, दूसरा सदन यानी कि राज्यसभा में भेजा जाएगा और राज्यसभा के पास मात्र 14 दिन का समय है कि वह उस पर विचार करके स्वीकार कर ले या संशोधन के साथ उस पर भेज दे। यदि राज्यसभा के द्वारा स्वीकार कर दिया जाता है तो वह वहां से पारित हुआ माना जाता है, यदि वह संशोधन करता है तो यह लोकसभा के विवेक पर या लोकसभा के मत पर निर्भर करता है कि वह उसे स्वीकार करता है या नहीं, या वह अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रोक सकता है। यदि वह 14 दिन या इससे अधिक समय तक अपने पास रोकता है तो यह विधेयक दोनों ही सदनों से स्वतः पारित हुआ माना जाता है और राष्ट्रपति के पास जाता है, और चूंकि राष्ट्रपति पहले ही उस पर अनुमति दे दिए हैं इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा उस पर जो है सहमति दे दिया जाता है। ऐसे विधेयकों को राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जाता है। तो इस तरीके से धन विधेयक की व्यवस्थाएं एकदम पूरी तरीके से स्पष्ट है कि इसे लोकसभा में ही जो है प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा के पास मात्र 14 दिन का समय होता है और राष्ट्रपति इसमें सहमति देता ही है इसलिए क्योंकि उनके द्वारा पूर्व में इसे अनुमति प्रस्तुत करने के लिए दे दिया गया है। तो इस तरीके से धन विधेयक की व्यवस्था पूरी तरीके से स्पष्ट है और चूंकि लोकसभा जनता का सदन होता है इसलिए जनता के धन को खर्च करने का अधिकार लोकसभा के पास ही होना चाहिए। ऐसी स्थिति में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जनता के हित
और जनता के मत को ध्यान में रखते हुए ये संपूर्ण शक्तियां लोकसभा को अंतरित की गई हैं, जिसका प्रयोग परिस्थितियों के सापेक्ष भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में करता है। तो ये व्यवस्था थी धन विधेयक के संदर्भ में। हम लोग चर्चा करेंगे अभी वित्त विधेयक के संदर्भ में। वित्त विधेयक के संदर्भ में जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि दो प्रकार की जो है व्यवस्थाएं हैं, एक है आर्टिकल 117 एक के अंतर्गत और एक है आर्टिकल 117 तीन के अंतर्गत। 117 एक जो है उसकी कुछ विशेषताएं धन विधेयक की तरह से है, कुछ विशेषताएं उसकी साधारण विधेयक की तरह से है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये ऐसा विधेयक है जिसमें 117 के साथ साथ 110 अनुच्छेद 110 की भी बातें इसमें निहित होती हैं। और ये ऐसी विशेष विधेयक है जिसके संदर्भ में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि दो विशेषताएं, एक तो पूर्व राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है और जो है दूसरा जो है यह लोकसभा में ही पेश किया जाता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति और लोकसभा में ही इसे पेश किया जाता है। ये दोनों विशेषताएं ये धन विधेयक की तरह से है, लेकिन अगली कुछ विशेषताएं हैं कि इस पर जो है राज्यसभा के द्वारा जिसे स्वीकार किया जा सकता, संशोधन किया जा सकता है और इस तरीके से ये विधेयक की विशेषता जो है उसे साधारण विधेयक की तरह बनाता है। राष्ट्रपति से जो है पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और इसके संयुक्त अधिवेशन भी जो है बुलाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से धन विधेयक और साधारण विधेयक की विशेषताएं वित्त विधेयक 117 एक के अंतर्गत देखी जा सकती हैं कि इसमें कुछ विशेषताएं साधारण विधेयक की तरह से और कुछ विशेषताएं वित्त धन विधेयक की तरह से हैं। अब आता है वित्त विधेयक दो। वित्त विधेयक दो यानी कि अनुच्छेद 117 तीन। यह 117 तीन के अंतर्गत ऐसे वित्तीय व्यय के संबंधित प्रावधान किए गए हैं जो कि भारत के संचित निधि पर भारित होता है। तो भारत की संचित निधि पर भारित जो भी व्यय होता है उसे 117 तीन के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया है इस पर सदन में प्रस्तुत करने के लिए जो है राष्ट्रपति की भी अनुमति नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि उसे पारित करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है। ये भी अपने स्वरूप में वित्त विधेयक से जो है मिलता है। तो ये बातें जो है वित्त विधेयक के संदर्भ में स्पष्ट हुई। तो आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया के बारे में देखा, जहां पर साधारण विधेयक और धन विधेयक और वित्त विधेयक के दोनों प्रकार के जो है प्रावधानों को हम लोगों ने स्पष्ट किया। अभी हमने एक और चीज आप लोगों से ये बताया कि साधारण विधेयक, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं, इसमें क्या अंतर है। तो एक्चुअली सरकारी का तात्पर्य जो कि कार्यपालिका यानी कि मंत्री परिषद के द्वारा या उसके किसी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है। और दूसरी तरफ गैर सरकारी विधेयक जब वो संसद के किसी सदस्य के द्वारा जो कि मंत्रिपरिषद में नहीं होता है उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो वो गैर सरकारी विधेयकों की श्रेणी में आता है। चूंकि सरकारी विधेयक जो है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए उसमें सरकार की नीतियां पूरी तरीके से जो स्पष्ट होती हैं। और गैर सरकारी विधेयक सामान्यतः विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए उसमें सार्वजनिक महत्व के विषय होते हैं और उसको वो पारित करने का जो है प्रयास करता है। सरकारी विधेयक की बात है, सरकारी विधेयक 7 दिन की पूर्व अनुमति के बाद पेश किया जाता है, वहीं गैर सरकारी विधेयक कम से कम 1 माह की पूर्व अनुमति के द्वारा पेश किया जाता है। यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि चूंकि सरकारी विधेयक मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है और मंत्रिपरिषद का स्वयं लोकसभा में और सदन में बहुमत होता है, ऐसी स्थिति में उस विधेयक के पास होने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। जबकि गैर सरकारी विधेयक विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उससे सदन में बहुमत नहीं होता है, ऐसी स्थिति में इस विधेयक के जो पास होने की संभावना बहुत ही कम या ना के बराबर होती है। चूंकि सरकारी विधेयक मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रस्तुत किया गया है इसलिए वो पास हो जाता है, और यदि पास नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है, क्योंकि ये माना जाता है कि सदन में उसे बहुमत नहीं है। इसी तरीके से गैर सरकारी जो विधेयक होते हैं उसके पास होने या ना होने के सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में अंतर पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है। एक और स्थिति है लोकसभा के विघटन का, विधेयक पर प्रभाव,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित सवाल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि इसका जो है विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विधेयक पर प्रभाव। लोकसभा की विक्टिंग का विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है? कुल मिलाकर के पांच प्रकार के मूल कंडीशन या मुख्य रूप से संभावनाएं होती हैं। यदि कोई भी विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है और उसी में विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में लोकसभा विघटित हो जाती है या भंग हो जाती है तो वह विधेयक जो है समाप्त माना जाएगा। दूसरी स्थिति है यदि लोकसभा से पारित हुआ विधेयक राज्यसभा में गया है और लोकसभा विघटित हो जाती है तो भी वह जो है समाप्त हो जाता है विधेयक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोकसभा प्रस्तुत किया था, जिसने पास किया था, जब वो स्वयं विघटित हो गया है तो ऐसी स्थिति में वही विधेयक आगे जो है प्रगति करे और कानून बने, यह जो है लोकतांत्रिक मूल्य के अनुरूप नहीं है। ऐसी स्थिति में वो भी विधेयक समाप्त माना जाएगा। एक और कंडीशन है कि राज्यसभा से प्रस्तुत विधेयक और विचार में राज्यसभा में ही है, विचाराधीन है, तो लोकसभा के विघटन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वह विधेयक ऑलरेडी राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था और राज्यसभा में ही विचार में है, तो वह विधेयक जब लोकसभा में गया ही नहीं तो लोकसभा के विघटन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात वह जो है विधेयक पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। एक और स्थिति है कि दोनों सदनों से पारित विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए गया, तो चूंकि राष्ट्रपति के पास विचार के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में वो विधेयक समाप्त नहीं होगा। और दूसरे तरीके से यदि उसे पुनर्विचार के लिए भी भेजा गया है तो भी वो विधेयक जो है समाप्त नहीं होगा। एक और कंडीशन है कि यदि दोनों सदन उस पर असहमत हैं और ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया हो या बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी गई हो लोकसभा के विघटन के पूर्व ही, यानी कि लोकसभा विघटन के पूर्व ही यदि संयुक्त अधिवेशन को बुलाने के लिए अधिसूचना जारी कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में वो भी विधेयक यहाँ पर लैप्स नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के ये पांच प्रकार की कंडीशन होती हैं जिसमें सदन के अंतर्गत जो है प्रस्तुत विधेयक या आगे प्रगति कर रहा विधेयक लोकसभा के विघटन के बाद प्रभावित होता है या नहीं, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया। तो कुल मिलाकर के आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया के संदर्भ में साधारण विधेयक और विधेयक और धन विधेयक पर चर्चा किया। संविधान संशोधन विधेयक भी एक प्रकार का विधेयक है जिसे एक विशेष प्रकार के जो टॉपिक में पूर्व में भी चर्चा किया गया और आगे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि वो संविधान राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक टॉपिक बनता है तो उस पर चीजें स्पष्ट हो जाएंगी क्योंकि वो विधि बनाने से ज्यादा वो संशोधन पर बल देता है, इसलिए उसके लिए अलग से जो है प्रावधान किया गया है। तो बेसिकली आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान को स्पष्ट करने का प्रयास किया, तो इसे एक बार विधिवत पुनः आप लोग जरूर देखिएगा, अध्ययन करने का प्रयास कीजिएगा। टेलीग्राम पर इससे संबंधित स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया जाता रहता है। और अगर आप सभी लोगों में से कोई भी नया है तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकन को ऑल वीडियोस के लिए टैप कर लीजिए ताकि आप लोगों को समय से वीडियो मिलता रहे। पुनः अगले टॉपिक में हम इसी अगले लेक्चर में हम पुनः इसी टॉपिक के अगले पार्ट को, क्योंकि संविधान राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संसद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें 4 से 5 क्लासेस बनते हैं, अगला हम लेक्चर लेकर के आएंगे जिससे संविधान के इस टॉपिक को जो पूरा किया जा सके और आप लोगों में एक बेहतर समझ को विकसित किया जाना संभव हो सके। तो नमस्कार, पुनः मिलेंगे।